हेलो लर्नर्स वेलकम टू ओर चैनल इस वीडियो हम ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स से 35 फाइव एम सी क्यू प्रैक्टिस करेंगे हारमोनी इन द फैमिली अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशन से तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन इज पहला क्वेश्चन है बेसिक यूनिट जो है ह्यूमन इंट्रैक्शन का वो क्या है ऑप्शन ए सोसाइटी ऑप्शन बी फैमिली ऑप्शन सी फ्रेंड्स या फिर ऑप्शन डी ऑल सभी लोग हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन फैमिली ऑब्वियसली जो सबसे बेसिक यूनिट हो क्या है फैमिली है फैमिली से ही हमारा इंटरेक्शन स्टार्ट होता है हु हैज द फीलिंग इन रिलेशनशिप आपको बताना है कि रिलेशनशिप में फीलिंग किसके पास होती है ऑप्शन ने ए नेचर के पास ऑप्शन बी बॉडी के पास ऑप्शन सी आई के पास ऑप्शन डी नन के पास तो आपको करेक्ट ऑप्शन पता चल गया होगा ऑप्शन सी आई के पास होता है फीलिंग इन रिलेशनशिप विथ होम आई हैज द फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप यानी कि आई के पास जो फीलिंग होती है रिलेशनशिप की कि वो किसके साथ होती है तो किसके साथ होती है बॉडी ऑफ अदर अदर के बॉडी के साथ आई ऑफ अदर दूसरे के आई के साथ ऑप्शन सी नेचर के साथ या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द दफ सभी के साथ तो नहीं अब इसी बात है जब आई के अंदर फीलिंग होती है तो आपके आई के अंदर फीलिंग है तो जो उसकी फीलिंग होगी वो दूसरे के आई के साथ फीलिंग होगी ना तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आई ऑफ अदर नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग फीलिंग्स इन रिलेशनशिप लीड्स टू तो आप जब फीलिंग को रिकॉग्नाइज करते हो और उसको फुलफिल करते हो रिलेशनशिप में तो वो क्या करता है म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी आती है म्यूचुअल हैप्पीनेस इन बॉडी आती है म्यूचुअल हैप्पीनेस इन आई आती है या फिर म्यूचुअल हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप आता है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा म्यूचुअल हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप आप भी खुश होंगे और सामने वाला भी जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है वो भी खुश होगा तो अब जब आप रिकॉग्नाइज करोगे फुलफिल करोगे रिलेशनशिप को फीलिंग में फीलिंग्स को फुलफिल करोगे जो रिलेशनशिप में है तो वो

ऑप्शन इज जस्टिस इसको क्या कहते हैं जस्टिस की रिकॉग्नाइज करना वैल्यू को रिलेशनशिप में उनको फुलफिल करना राइट right इवेल्युएशन करना फुलफिलमेंट रिजल्टिंग और जिससे कि म्यूचुअल हैप्पीनेस आता है उसको हम जस्टिस कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर एलिमेंट ऑफ जस्टिस आर वैल्यूज फुलफिलमेंट इवेल्युएशन एंड फोर एलिमेंट यहाँ पे देखिए नाम बता दिया कि फोर एलिमेंट ऑफ जस्टिस जस्टिस के चार एलिमेंट होते हैं रिकोग्शन ऑफ वैल्यूज पहला हो गया फुलफिलमेंट दूसरा हो गया इवोल्यूशन तीसरा हो गया एंड चौथा आपको बताना है एंड तो ऑप्शन है म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी ऑप्शन बी है म्यूचुअल हैप्पीनेस ऑप्शन सी प्रॉस्पेरिटी ऑप्शन डी हैप्पीनेस तो रिकोगनाइज करोगे वैल्यू को फुलफिल करोगे इवालएट करोगे तो क्या आएगा अब ऐसी बात है म्यूचुअल हैप्पीनेस आएगा तो ऑप्शन बी ये फोर एलिमेंट है जस्टिस के इसको आप याद कर लीजिएगा रिकोगनेशन ऑफ वैल्यू फुलफिलमेंट इवाल्यूशन एंड म्यूचुअल हैप्पीनेस नेक्स्ट है रिलेशनशिप हैज ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी वैल्यूज है रिलेशनशिप में वैल्यूज ऑर इन रिलेशनशिप या फीलिंग्स इज रिलेशनशिप कहा जा सकता है इसको तो कितनी है ऑप्शन सी नाइन वैल्यूज है ह्यूमन वैल्यूज में रिलेशनशिप में फीलिंग्स ऑफ वन सेल्फ विथ अदर आई आर जो फीलिंग ऑफ वन आई है विथ अदर आई यानी आपके आई का दूसरे आई के साथ जो फीलिंग है वो क्या है ऑप्शन डेफिनेट है ऑप्शन बी कैन बी आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड ऑप्शन सी कैन बी फुलफिल्ड या फिर ऑप्शन डी ऑल तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इज ऑल जो आई का फीलिंग है एक आई का दूसरे आई से जो फीलिंग है वो डेफिनेट है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसको अंडरसूट किया जा सकता है और उसको फुलफिल भी किया जा सकता है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल तो याद रहे आई की जो फीलिंग है दूसरे आई से वो डेफिनेट है आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसको समझा जा सकता है अंडरस्टूड एंड कैन बी फुलफिल्ड उसको, उसको फुलफिल भी किया जा सकता है नेक्स्ट है बींग इन रिलेशनशिप मीन यानी कि किसी रिलेशनशिप में रहने का क्या मतलब होता है बी हैव फीलिंग फॉर अदर ऑप्शन बी वी हैव फीलिंग फॉर नेचर ऑप्शन बी वी हैव फीलिंग फॉर ट्रस्ट या फिर ऑप्शन डी नन तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में है उसका मतलब है कि बी हैव फीलिंग फॉर अदर हमारे पास फीलिंग है दूसरे के लिए नेक्स्ट है टू बी अश्योर दैट ईच ह्यूमन बींग इनहेरेंटली वॉन्ट्स वन सेल्फ एंड अदर टू बी हैप्पी एंड प्रोस्पेरस रिफर्स टू टू बी अश्योर दैट ईच ह्यूमन बींग इनहेरेंटली वॉन्ट्स वन सेल्फ एंड अदर टू बी हैप्पी यानी कि ये इंश्योर हो जाना अश्योर हो जाना कि हाँ सभी ह्यूमन बींग्स अपने आप को हैप्पी रखना चाहते हैं और साथ में साथ दूसरे सामने वाले को भी हैप्पी और प्रॉस्पेरस रखना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं ऑप्शन ए ट्रस्ट ऑप्शन बी रेस्पेक्ट ऑप्शन सी अफेक्शन ऑप्शन डी केयर टू करेक्ट ऑप्शन इज ट्रस्ट इसको कहते हैं ट्रस्ट कब होता है जब आपको पता होगा हाँ सामने वाला मेरा घर बुरा नहीं चाहेगा वो उस पर भरोसा जो आप कहते हो कि हाँ सामने वाला मेरा अच्छा ही चाहेगा तो ट्रस्ट टू बी अश्योर डट ईच ह्यूमन बींग इनली वॉन्ट्स वन सेल्फ एंड अदर टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस रिफर्स टू ट्रस्ट वैन डू यू फील अफ्रेड ऑफ समबडी आप कब दूसरे डरते afraid, से डरते हैं अफ्रेड यानी कि हाँ इससे मुझे ख़तरा है तो ऑप्शन वेन एवर आई फील अश्योर फॉर द for other person whenever i feel the other will deny my happiness and prosperity whenever i do not feel other will deny happiness happiness or none of the above to obviously baat hai jab aap appreciate dusre se afraid कब होंगे जब आपको feel होगा कि हां वो सामने वाला मेरी हैप्पीनेस या प्रॉस्पेरिटी को डिनाय कर देगा तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी व्हेन एवर आई फील द अदर विल डिनाय माय हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी तब तो हम अपreciate करते हैं सामने डर लगता है ना सामने वाला मेरे को तो नुकसान पहुंचा सकता है व्हेन वी डाउट द इंटेंशन ऑफ द अदर वी गेट इनटू जब हम किसी के इंटेंशन पे डाउट करते हैं तो क्या होता है तो ऑप्शन है हम उसको सपोर्ट करते हैं ऑप्शन भी अपोजिशन में चले जाते हैं ऑप्शन सी है उसको हेल्प करते हैं फिर ऑप्शन डी नन कुछ नहीं करते हैं तो अब सी बात है जब हमें किसी के इंटेंशन पे डाउट होता है तो हम क्या करेंगे उसके अपोजिशन में चले जाएंगे तो ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट है डैस इज़ वन एस्पायर फॉर आपको बताना है कि किसके लिए एस्पायर होता है कोई ऑप्शन ए कॉम्पिटेंस के लिए ऑप्शन बी एबिलिटी के लिए ऑप्शन सी इंटेंशन के लिए ऑप्शन डी नन ऑफ द वेब के लिए कैट ऑप्शन इज इंटेंशन इंटेंशन इज वन एस्पायर फॉर तो इंटेंशन ही होता है जिसके लिए वो लोग एस्पायर होते हैं एबिलिटी टू फुलफिल द एस्पिरेशन इज तो एबिलिटी टू फुलफिल द एस्पिरेशन इज इंटेंशन कॉम्पिटेंस ऊपर के सभी होंगे तो 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 की बात हो तो option competence हो रही है है है? जाएगा। तो दिखाता ये क्या होता है? Trust, care, intention, we trust our, हम अपने intention पे तो करते हैं लेकिन हम दूसरे के वी आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट अदर लेकिन हम दूसरे के किस चीज पे ट्रस्ट करने से हिचकिचाते हैं तो वो है नॉट रेडी टू ट्रस्ट द अदर्स इंटेंशन हम अपने इंटेंशन पे तो ट्रस्ट करते हैं लेकिन हम सामने वाले इंटेंशन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो वी ट्रस्ट आवर इंटेंशन वाइफ वी आर नॉट रेडी फॉर ट्रस्ट द अदर्स इंटेंशन द फाउंडेशनल वैल्यू इज अब नाइन वैल्यूज दी गई है नाइन वैल्यूज में जो फाउंडेशनल वैल्यू कौन सी है आपको बताने ऑप्शन ए ट्रस्ट ऑप्शन बी केयर ऑप्शन सी रेस्पेक्ट ऑप्शन डी एफेक्शन तो फाउंडेशनल वैल्यू इज ऑप्शन ए ट्रस्ट ट्रस्ट को हम फाउंडेशन वैल्यू कहते हैं हिंदी में आधार मूल्य भी कहा जाता है इसको तो आधार मूल्य करके भी पूछा जा सकता है कि द आधार मूल्य इज तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रस्ट उसको हम फाउंडेशन वैल्यू या आधार मूल्य कहते हैं नेक्स्ट है द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल टू एवरी यूनिट इन एक्जिस्टेंस द एंटायर एक्जिस्टेंस इज द फीलिंग ऑफ यानी कि वो फीलिंग जिसमें हम सभी से जुड़े होने की होती है एंटायर एक्जिस्टेंस इंटायर यूनिट इन एक्जिस्टेंस से जुड़े होने की फीलिंग होती है उसको क्या कहते हैं ऑप्शन है ग्रेटिट्यूड ऑप्शन बी ग्लोरी ऑप्शन सी रेवरेंस या फिर ऑप्शन डी लव तो फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल सभी के साथ जुड़े होने की सभी यूनिट जो भी एग्जिस्टेंस में सभी एग्जिस्टेंस में इंटायर एग्जिस्टेंस है तो उसको क्या कहते हैं करेक्ट ऑप्शन इज डी लव इस फीलिंग को हम लव कहते हैं नेक्स्ट है द कंप्लीट वैल्यू यानी कि पूर्ण मूल्य किसे कहते हैं कंप्लीट वैल्यू या पूर्ण मूल्य किसी से ही पूछा जा सकता है हो सकता है कंप्लीट वैल्यू ब्रैकेट में पूर्ण मूल्य लिखा हो जैसे यहाँ पे लिखा है हमने या फिर हो सकता है सिर्फ कंप्लीट वैल्यू लिखा हो या फिर हो सकता है कि पूर्ण मूल्य लिखा होता है तो कंप्लीट वैल्यू यानी कि पूर्ण मूल्य किससे कहा जाता है ऑप्शन ए लव ऑप्शन बी केयर ऑप्शन सी रेस्पेक्ट ऑप्शन डी अफेक्शन तो कंप्लीट वैल्यू कंप्लीट यानी क्या होता है अभी जब आपने देखा द फीलिंग ऑफ बींग रिलेटेड टू ऑल सभी से आप जुड़े हैं पूरे एंटायर एग्जिस्टेंस से जुड़े हैं तो क्या है ये ऑल है कंप्लीट है तो इसलिए हम क्या करते हैं कहते लव को कंप्लीट वैल्यू यानी पूर्ण मूल्य कहते हैं नेक्स्ट है फैमिली इज ए डैश टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप तो फैमिली इज ए क्या है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप प्रैक्टिकल नेचुरल मैनमेड ऑल ऑफ द यहाँ पे एक छूट गया है कि फैमिली इज ए लेबोरेटरी टरी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप तो कौन सीबोरेटरी है करेक्ट ऑप्शन इज नेटरी है फैमिली इज ए नेचुरल लेबोटरी है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप नेक्स्ट विच वैल्यू रिक्वायर फिजिकल फैसिलिटीज इसमें आपको बताना है की चार वैल्यूज दी गई यहाँ पे कौन सी वैल्यूज में फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए होती है ऑप्शन ए ट्रस्ट ऑप्शन बी एफेक्ट ऑप्शन सी गाइडेंस ऑप्शन डी केयर तो करेट ऑप्शन क्या है ऑप्शन डी केयर केयर जब आप किसी की करते हैं तो वहाँ पे आपको फिजिकल फैसिलिटीज़ भी चाहिए होते हैं क्योंकि फिजिकल फैसिलिटीज से ही आप उसकी केयर कर सकते हो उसके सपोर्ट से तो केयर एक ऐसा वैल्यू है जहाँ पे फिजिकल फैसिलिटीज़ भी चाहिए होती है नेक्स्ट है ओनली केयर रिक्वायर फिजिकल फैसिलिटीज अदर फीलिंग रिक्वायर यानी कि केवल फिजिकल फैसिलिटीज जो है केयर को चाहिए होती है लेकिन बाकी फीलिंग्स को क्या चाहिए होता है रिकोग्शन प्रेजेंटेशन फुलफिलमेंट या फिर अंडरस्टैंडिंग बाकी फीलिंग के लिए क्या चाहिए होगा ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग बाकी फीलिंग के लिए अंडरस्टैंडिंग समझ चाहिए होगी तभी आप जो है उसको फुलफिल कर पाएंगे फीलिंग ऑफ वॉन्टिंग टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ आवर रिलेटिव रिफर्स टू फीलिंग ऑफ वॉन्टिंग टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी हम ये फीलिंग कि हम अपने जो रिलेटिव हैं उनकी बॉडी को नर्चर कर उनको प्रोटेक्ट करें इस फीलिंग को हम क्या कहेंगे ऑप्शन ए ट्रस्ट ऑप्शन बी रेस्पेक्ट ऑप्शन सी ग्लोरी ऑप्शन डी केयर तो कै ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी केयर किसी की बॉडी को नर्चर करना उसको प्रोटेक्ट करना यहाँ पे फिजिकल फैसिलिटी चाहिए होगी क्योंकि फूड किसी की बॉडी को नर्चर करना है तो फूड चाहिए होगा तो फूड फिजिकल फैसिलिटी हो गई नेक्स्ट है द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर माई एक्सीलेंस इज़ द फीलिंग ऑफ फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर हु हैव मेड एफर्ट फॉर माय एक्सीलेंस यानी कि मेरी एक्सीलेंस के लिए उन्होंने एफर्ट लगाया था तो उसकी फीलिंग के लिए हम क्या कहेंगे ग्रेटिट्यूड लव रेस्पेक्ट केयर ऑप्शन ए ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड शो करना थैंक यू शो करना कि हाँ आपने मेरे एक्सीलेंस के लिए आपने भी कुछ एफर्ट किए थे नेक्स्ट है द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन दी अदर इस कार्ड यानी कि सामने वाले के अंदर कुछ ना कुछ एक्सीलेंस है इसको एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है लव रेस्पेक्ट केयर या रेवरेंस ऑप्शन डी रेवरेंस कहलाता है हाँ आपके अंदर क्षमता है यू आर एक्सीलेंट इसको एक्सेप्ट कर लेना है नहीं ये कभी कभी क्या होता है कि हम सामने वाले में एक्सपेक्ट नहीं करते नहीं नहीं वो तो ऐसा ही है उसके अंदर कोई क्षमता नहीं है नहीं उसके अंदर है तो उसको आप एक्सेप्ट करिए तो उसको रेफरेंस कहते हैं नेक्स्ट है वैन वी डू नॉट अंडरस्टैंड रेस्पेक्ट वी टेंड टू डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ यानी कि जब हम रेस्पेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं समझते नहीं है तो हम डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं किसके बेसिस पे ऑप्शन है बॉडी के बेसिस पे ऑप्शन भी फिजिकल फैसिलिटीज़ के बेसिस पे ऑप्शन सी बिलीफ्स के बेसिस पे या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ़ द ऊपर के तीनों ही बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करना से शुरू कर देते हैं रेस्पेक्ट में क्या होता है कि हम सामने वाले को रेस्पेक्ट करते हैं लेकिन जब हम रेस्पेक्ट को नहीं समझते हैं तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं तो किसके बेसिस पे तो बॉडी फिजिकल फैसिलिटीज और बिलीफ तीनों के बेसिस पे उसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द तीनों के बेसिस पे ही हम डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं जब हमारे पास रेस्पेक्ट नहीं होता है तो याद रखिएगा नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ बींग रिलेटेड टू एवरी ह्यूमन बींग इज तो फीलिंग ऑफ बींग रिलेटेड टू एवरी हम हरे हर एक ह्यूमन बींग से रिलेटेड होने की जो फीलिंग है उसको क्या कहते हैं ट्रस्ट रेस्पेक्ट बिलीफ या फिर अनडिवाइडेड सोसाइटी तो एड ऑप्शन तो क्या हो जाएगा अनडिवाइडेड सोसाइटी जिसको हम अखंड समाज भी कहते हैं तो अनडिवाइडेड सोसाइटी या फिर अखंड समाज ये फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी ह्यूमन बीइंग है देखिए तो इससे पहले आया था जो लव वाला था तो उसमें क्या था कि एवरी ह्यूमन बीइंग इंटायर एग्जिस्टेंस इंटायर एज यूनिट ऑफ इंटर एग्जिस्टेंस तो वहाँ पर यह था यहाँ पे क्या है एवरी ह्यूमन बींग सिर्फ एवरी ह्यूमन बींग से रिलेटेड होने की फीलिंग को क्या कहते हैं अखंड समाज या अनडिवाइडेड सोसाइटी कहते हैं नेक्स्ट फीलिंग ऑफ लव लीड्स टू तो जो फीलिंग ऑफ लव होता है वो क्या ले आता है ट्रस्ट ले आता है रेस्पेक्ट ले आता है ग्लोरी ले आता है या फिर अनडिवाइडेड सोसाइटी ले आता है तो अभी जस्ट आपने देखा अनडिवाइडेड फीलिंग ऑफ बींग रिलेटेड टू एवरी ह्यूमन बींग तो अनडिवाइडेड सोसाइटी तो फीलिंग ऑफ लव के बाद ही ये Feeling आती है तो यानी जो है, वो लीड करता है अनडिवाइडेड सोसाइटी को नेक्स्ट है कौन सी फीलिंग स्टार्ट करते हैं कौन सी फीलिंग को पहुंचते हैं आपको बताना है तो ऑप्शन है रेस्पेक्ट यानी कि रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट यानी कि वी स्टार्ट फ्रॉम फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट एंड रेज द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट या फिर ऑप्शन बी है ट्रस्ट एंड ग्रेटिट्यूड वी स्टार्ट फ्रॉम फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड रेज द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड या फिर ऑप्शन सी ट्रस्ट लव यानी कि वी स्टार्ट फ्रॉम फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड रीज द फीलिंग ऑफ लव या फिर ऑप्शन डी है लव ट्रस्ट यानी वी स्टार्ट फ्रॉम फीलिंग ऑफ लव एंड रेज द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट तो आपको बताना है कौन सा तो आप अगर नाइन वैल्यूज आपने पढ़ा होगा तो अभी आपने जस्ट पीछे क्वेश्चन में देखा भी कि फाउंडेशनल वैल्यू क्या है ट्रस्ट और कंप्लीट वैल्यू क्या है लव तो ऑब्वियस बात तो है feeling of right and feeling the others, कि वी स्टार्ट फ्रॉम फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड रीच द फीलिंग ऑफ लव तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है फीलिंग ऑफ इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग इन द अदर्स रिलेटिव इज कॉल्ड यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग और दूसरी रिलेटिव के अंदर उसको इंश्योर करना है इसको क्या कहलाता है तो ऑबियस बात है आप जब क्या करते हो दूसरे को पढ़ाते हो दूसरे को समझाते हो कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है तो उसको क्या कहते हैं गाइडेंस तो फीलिंग ऑफ इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग इन द अदर रिलेटिव इज कॉल्ड गाइडेंस डी ऑप्शन डी गाइडेंस नेक्स्ट है वन वन डिफरेंट द अदर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इंक्लूड यानी कि जब आप फिजिकल फैसिलिटीज पे किसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कौन कौन से बेसिस पे कर सकते हैं ऑप्शन ए वेल्थ ऑप्शन बी पोस्ट ऑप्शन सी एज या फिर ऑप्शन डी ए एंड बी यानी कि सिर्फ वेल्थ और पोस्ट के बेसिस पे तो फिजिकल फैसिलिटीज जब आप किसी को डिफ्रेंशिएट करते हो तो ऑब्वियसली बात है उसके वेल्थ पे या फिर उसके पोस्ट से जो आप उसको डिफरेंशियट करते हो यार उसके पास इतना पैसा है उसके पास इतना पैसा उसके पास चार गाड़ियाँ हैं पाँच गाड़ियाँ दस है, गाड़ियाँ हैं या फिर दूसरा क्या हो सकता है अरे वो तो वहाँ पे मैनेजर है अरे वो तो गवर्नमेंट जॉब है उसके पास अरे उसके पास तो प्राइवेट जॉब है तो आप क्या करते होते हो फिजिकल फैसिलिटीज के बेसिस पे पोस्ट के बेसिस पे उसको क्या डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी ए एंड भी तो जब हम रेस्पेक्ट नहीं होता है तो हम उसको फिजिकल फैसिलिटीजिएट करते हैं और उसमें है, फिर उसके, पोस्ट के पे करना कर सकते हैं। उसके पास इतना बड़ा घर है तो ये फिजिकल फैसिलिटीज हो गई नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एज फिजिकल स्ट्रेंथ रिफर्स टू जब आप किसी को डिफ्रेंशिएट करते हो उसके रेस उसके एज उसके फिजिकल स्ट्रेंथ में तो उसको क्या कहते हैं डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज डिफ्रेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ डिफ्रेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी या फिर डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर तो अभी आपने जस्ट पीछे वाले एम में देखा तो वहाँ तो फिजिकल फैसिलिटीज़ तो आपने देखा कि उसमें क्या है वेल्थ well, तो पोस्ट आता है तो करेक्ट तो यहाँ पे ऑप्शन तो ये गलत हो गया फिर एज फिजिकल स्ट्रेंथ देखिए एज है बॉडी से रिलेटेड है फिजिकल स्ट्रेंथ वो भी बॉडी से रिलेटेड है तो करट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सी डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी नेक्स्ट एट द लेवल ऑफ आई वी आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ यानी आई के लेवल पे सभी लोग सिमिलर हैं कैसे आवर बेसिक पर्पस आवर प्रोग्राम ऑफ एक्शन और कैपेबिलिटी पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी या फिर ऑल ऑफ द अबव तो किसके लेवल पे है? सेम है तो obviously बात है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा कैसे आवर बेसिक पर्पस सभी का बेसिक पर्पस सेम होता है प्रोग्राम उस बेसिक पर्पज़ को फुलफिल करने का वो सभी सेम होगा प्रोग्राम ऑफ एक्शन हो होता है और कैपेबिलिटी भी सभी के अंदर सेम होती है तो एट द लेवल ऑफ फाई वी आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ बेसिक पर्पज़ प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड कैपेबिलिटी या पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ होगा अगर तीनों से कोई एक ही दिया होता तो वो फिर वो सही हो जाता है नेक्स्ट टू इवॉल्यूएट मोर देन दॉट इज इज रिफर्ज टू यानी कि जो है उससे ज़्यादा उसको इवोलुएट करना क्या कहलाता है अंडर एवालूशन अदरवाइज इवोल्यूशन ओवर इवोल्यूशन या सेम एवालूशन तो टर्म से क्लियर होगा ओवर इवाल्यूएशन ऑप्शन सी यानी अधिमूल्यन कहते हैं उसको हम टू इवोलुए मोर देन वॉट इज इट इज यानी कि कोई जितना है उसको उससे ज्यादा अज्यूम करना उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना इवालुएट करना तो उसको हम क्या कहते हैं ओवर इवेलुएशन कहते हैं ज़्यादा ओवर नहीं हो रहा तो ये ओवर इवोलूएन है अधिमूल्यन टू इवोलुएट अदरवाइज देन वॉट इट इज़ यानी कि जो है उसके बजाय कुछ और इवालुएट कर लेना तो उसको क्या कहते हैं नाम में क्लियर है अदरवाइज तो अदरवाइज इवाल्यूएशन यानी अमूल्यन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी अमूल्यन नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इवाल्युएट लेस देन वॉट इट इज यानी कि जो जो जैसा है उससे कम उसको आंकना वो क्या कहलाता है तो कम यानी कि अंडर इवाल्यूशन ऑप्शन ए अंडर इवाल्यूशन यानी अवमूल्यन ठीक है अधिमूल्यन अमूल्यन और अवमूल्यन यानी अंडर इवाल्युएशन ओवर इवाल्यूएशन और अदरवाइज इवाल्यूएशन ये भी आप याद रख लीजिएगा कि इवाल्युएट लेस देन तो अंडर इवेल्यूएशन इवाल्युएशन अदरवाइज तो अदर अदरवाइज इवेल्यूएशन और एवाल्यूएशन मोर देन वॉट इट इज़ तो ओवर इवेल्यूएशन यहाँ पे देखिए ये आपको लास्ट में हमने बता दिया है कि नाइन वैल्यूज़ जो ह्यूमन रिलेशनशिप में होती हैं वो यही है पहला है ट्रस्ट जिसको हम फाउंडेशनल वैल्यू भी कहते हैं फिर है रेस्पेक्ट फिर आता है एफेक्शन फिर आता है केयर फिर गाइडेंस फिर रेवरेंस फिर क्लोरी फिर ग्रेटिट्यूड और फिर लास्ट में लव जिसको हम कंप्लीट वैल्यू भी कहते हैं जो पूर्ण मूल्य कहते हैं तो ये आपको जो है याद कर लेना है तो इसमें इतना ही एम सी क्यू विश यू ऑल द बेस्ट की पॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ थैंक यू